हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट आपकी इंग्लिश की पोएम काइट पर बेस्ड है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोल रखा है इन द फॉलोइंग स्पेस, जो आपको नीचे स्पेस दे रखा है, रिकॉल कीजिए, याद करिए और लिखिए योर फेवरेट लाइन फ्रॉम द पोएम काइट। आपने जो पोएम काइट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें जो आपकी फेवरेट लाइन्स हैं, यू हैव टू राइट दोज लाइन्स इन दिस स्पेस। इस स्पेस में आपको वो लाइनें लिखनी हैं। तो आप उस पोएम को जानते हैं, उस पोएम की जो आपकी फेवरेट लाइन्स हैं वो आप ज़रूर यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर आप उसके पोएट का नेम भी लिखेंगे। जो काइट पोएम है उसके जो पोएट हैं उसका नेम भी आप यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें बोल रखा है अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अरेंज द लेटर्स, आपको कुछ वर्ड्स के लेटर्स को जंबल करके दे रखा है, एंड यू हैव टू अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। आपको उन लेटर्स को अरेंज करना है। तो सबसे जो पहला आपका वर्ड है वो है ब्रीज। जो आपका सबसे पहला वर्ड है वो है ब्रीज, BREEZE। तो ये लेटर्स है, आप इसको अरेंज करके क्या लिख देंगे, ब्रीज। ब्रीज क्या होती है, जो हवा बहती है, जो हल्की हल्की हवा बहती है उसे आप क्या बोलते हैं, ब्रीज। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है स्ट्रिंग, STRING। क्या होता है स्ट्रिंग, जो जिस धागे से आप पतंग को उड़ाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। सो ये जो लेटर्स हैं वो स्ट्रिंग के लिए हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स जो सबसे जो हाइस्ट पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और अगला वर्ड है आपका ब्राइट, BRIGHT। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, जो एक नई पतंग है वो आसमान में बिल्कुल चमकती हुई नजर आती है। जो आपकी पोएम है उसकी भी लाइन है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। इस तरह आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपके थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, रीड द स्टैंजा फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम का स्टैंजा दे रखा है और स्टैंजा पर बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं। आंसर द क्वेश्चंस फॉलो एंड कंप्लीट सेंटेंसेस टेकिंग द हिंट्स प्रोवाइडेड। और उन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आपको क्या दे रखे हैं, हिंट्स भी दे रखी हैं। इन हिंट्स का यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो स्टैंजा है हमारा, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, देन सीम्स टू रेस्ट। स्टैंजा और ये पोएम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है वेयर इज द काइट, आपसे पूछा है वेयर इज द काइट, जो पतंग है वो कहाँ है। तो पतंग कहाँ पर है, वो स्काई में है। तो आप इसका आंसर सिर्फ सिंपल स्काई नहीं लिखेंगे, आप एक कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देंगे। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द काइट इज इन द स्काई। आप लिखेंगे द काइट इज इन द स्काई। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वट डज़ द वर्ड सोर मीन। जो वर्ड सोर, उसका मीनिंग क्या होता है, सोर का मीनिंग होता है ऊपर जाना, ऊपर की तरफ जाना। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, द वर्ड सोर मीन्स, इस तरह से क्वेश्चन में से लेंगे, फिर आप लिखेंगे टू राइज। द वर्ड सोर्स मीन, द वर्ड का वर्ड सोर का मतलब होता है टू राइज, मतलब ऊपर की तरफ जाना। इस तरह से आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द काइट सोर हाई, जो पतंग है वो ऊपर क्यों जाती है, इतनी ऊंचाई पर वो कैसे ऊपर की तरफ जाती है। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द काइट सोर, में हम एस लगा देंगे, सोर्स हाई, द काइट सोर्स हाई बाय द पावर ऑफ द विंड। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द काइट सोर, में हम एस लगा देंगे, सोर्स हाई बाय द पावर ऑफ द विंड। इस तरह से हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन द विंड फॉल्स, जब हवा कम हो जाती है, हवा की स्पीड कम हो जाती है, हवा धीमी हो जाती है, विंड फॉल हो जाती है, तो क्या होता है। तो जब विंड फॉल होती है तो काइट सीम्स टू रेस्ट, ऐसा लगता है कि जो पतंग है वो क्या कर रही है, रेस्ट कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हेन द विंड फॉल्स, आप लिखेंगे व्हेन द विंड फॉल्स, उसके बाद आप लिख देंगे द काइट सीम्स टू रेस्ट, ऐसा लगता है जो पतंग है वो रेस्ट कर रही है, वो आराम कर रही है। लास्ट पार्ट है हमारा ई पार्ट, इसमें हमसे बोला है स्टेट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा। आपको इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स के पेयर बताने हैं। इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स के कौन कौन से पेयर हैं, इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स के बहुत सारे पेयर हैं, आपसे एक ही पेयर पूछा है, सो यू हैव टू राइट ओनली वन पेयर। जैसे कि ब्लू, न्यू, डिप, शिप, सेल, टेल, टाइट्स, ट्राइट्स, क्रेस्ट, रेस्ट, इस तरह से बहुत सारे पेयर्स हैं। तो आप कोई भी एक पेयर लिख देंगे, आप लिख देंगे ब्लू, न्यू, या आप लिख सकते हैं डिप, शिप।
सो आपके जो भी राइमिंग वर्ड्स हैं वो सब आप इस टेंसर इस आंसर में लिख देंगे। राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं, जिन वर्ड्स की जो हम बोलते समय जो राइम होती है वो मिलती है, जो आवाज़ होती है वो मिलती है, जैसे कि ब्लू न्यू, डिप शिप, टेल सेल, राइड्स टाइड्स, क्रेस्ट रेस्ट। तो इन सब वर्ड्स के पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट में आप ई पार्ट का आंसर लिख देंगे और इस तरह से आपकी काइट पोएम पर बेस्ड जो ये वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाएगी।